वेलकम इन माई आर्ट रूम। तो स्टूडेंट्स, आज हम ये तारों भरी एक रात बनाने वाले हैं, वो भी एक्रेलिक कलर के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बनाने में मज़ा आएगा। तो थोड़ा सा डिटेलिंग वर्क इसमें हम करेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत आपकी पेंटिंग बनेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक्रेलिक कलर के साथ तारों भरी रात, यानी कि स्टारी रात। तो इसके लिए आप लोग अपनी शीट लेंगे या कैनवस लेंगे। इसमें हम जनरली तीन कलर यूज़ करेंगे, ब्लैक, पर्शियन ब्लू एंड वाइट। तो पहले थोड़ा सा ब्लैक कलर लेकर हमने शीट के ऊपर की तरफ अप्लाई किया और उसके बाद पर्शियन ब्लू कलर हम उसके नीचे अप्लाई करेंगे। तो अब देखिए, ब्लैक कलर के बाद हम पर्शियन ब्लू कलर ले रहे हैं। ब्रश को हमने साफ़ किया। अब ये पर्शियन ब्लू कलर यानी कि डार्क ब्लू, और इसको लेते हुए हम अपनी पूरी शीट को कवर कर लेंगे। पर्शियन ब्लू कलर जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो जब हम अभी इसमें वाइट कलर मिक्स करेंगे, देखिए थोड़ा सा ब्लैक इसमें मिक्स किया तो उससे ही ओपेक हो गया, लेकिन जब वाइट कलर इसके साथ मिक्स होगा तो ये पूरी तरह से ओपेक बन जाएगा और आपको आपकी शीट नीचे उसमें से नज़र नहीं आएगी। और वाइट कलर मिक्स होते ही कलर्स में वेरिएशन आनी शुरू हो जाएगी, उसकी अलग अलग शेड्स बननी शुरू हो जाएंगी। तो हम देख सकते हैं कि पर्शियन ब्लू कलर में भी कितनी सारी शेड्स इस वाइट कलर की वजह से बन रही हैं। आप ब्रश लेकर अच्छे से पूरे राइट लेफ़्ट ब्रश को घुमाएं, जितना तेज़ी से घुमाएंगे उतना अच्छा है। कलर के सूखने से पहले ही पूरे की पूरी जो शीट है उसकी बैकग्राउंड आपकी तैयार हो जाएगी। बैकग्राउंड बन चुकी है, ब्रश को धोइए। अब हम थोड़ा ब्लैक कलर ले रहे हैं, थोड़ा सा ब्लू उसमें मिक्स किया हमने, और इससे हम माउंटेंस बनाना शुरू करेंगे। थोड़ी सी जिगजैग लाइनें बनाइए और माउंटेन आपका बन गया। बहुत ही ईजी होता है माउंटेंस को बनाना, क्योंकि उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यहाँ से उभरा होगा यहाँ से बैठा होगा। एक ट्रायंगल सा शेप जिसके कॉर्नर्स थोड़े जिगजैग हों। अब ये वाइट कलर लेकर हम इस पर थोड़ी सी शेडिंग देंगे, क्योंकि हम इसमें चांद बनाने वाले हैं। तो उस चांद से जो रिफ्लेक्शन हमारे पहाड़ों के पत्थरों के ऊपर आ रही है वो हम थोड़ा उभार इसको दिखाने की कोशिश करेंगे। जब आप दो चार पेंटिंग्स बना लेंगे तो आपको खुद ब खुद अंदाजा होना शुरू हो जाएगा कि कहाँ उभार दिखाना है, कैसे उभार दिखाना है। शुरू में अगर आपको लगे कि जैसा बनाना चाहते हैं वैसा नहीं बना, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अभ्यास करते रहें, कोशिश करते रहें, तो बहुत जल्द आप खुद अपने काम से खुश होना शुरू कर देंगे। अब इसी तरह से हम एक दूसरी पहाड़ी बनाएंगे। अगर ये एक भी बनाते हैं तो तब भी ये सुंदर लगेगा, दूसरी भी बना सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही पहाड़ी कहीं पर हो, उसके साथ एक छोटी दूसरी पहाड़ी भी होती है, एक पहाड़ों की पूरी श्रृंखला भी होती है। तो हम आमतौर पर लैंडस्केप में उसका एक छोटा सा पार्ट उठाकर लैंडस्केप बनाते हैं। इस पर भी हम इसी तरह से वाइट कलर के साथ इसको, इसके ऊपर भी हम हाईलाइट्स दिखाएंगे। देखिए दोनों पहाड़ों में थोड़ा सा रंग की वेरिएशन अब रखेंगे ताकि थोड़े आगे पीछे लगे। शेडिंग देते हुए भी आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना हो कि दोनों पहाड़ बिल्कुल एक जैसे एक ही कलर से लगे, तो आपस में चिपके हुए लगेंगे। तो थोड़ा सा दोनों के बीच में फर्क अब जरूर रखिएगा। अब आप चांद बनाइए। अगर आप डायरेक्ट ब्रश के साथ नहीं बना सकते तो लीजिए, पहले हम सितारे बना रहे हैं जो एक तरह से आप स्प्रे करके बड़े आराम से बना सकते हैं। इसके लिए आपको डॉट लगाने की जरूरत नहीं है। चांद अगर आप फ्री हैंड बना सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पहले पेंसिल से थोड़ा ड्रॉ कर लीजिए और छोटे ब्रश के साथ चांद को बना लीजिए। तो इस तरह से हमारी तारों भरी रात यहाँ पर बनकर तैयार हो जाती है, देखने में बहुत प्यारी लग रही है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे बहुत अच्छे से बनाएंगे और ये आपको सबको पसंद भी आएगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।